तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो। मैं संजय और आप देख रहे हैं संजय टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। गाइस, आज हम बताने वाले हैं एक क्विक 850 के इस ब्लावर मशीन का एयर और हीट काम नहीं कर रहा है। तो गाइस देखिए, इसका कुछ काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। तो गाइस, सारे स्क्रू को खोलने के बाद आप इसका ढक्कन का भी हटा देते हैं। गाइस ये देखिए, रेड कलर का जो वायर है ये हीट के लिए, जो हीटर कोयल है इसके लिए। और गाइस ये वाइट कलर का दो वायर है, ये एयर कंप्रेसर के लिए इसके लिए। और ये ब्लैक कलर का वायर जो दिख रहा है, इसमें एसी करंट आता है। तो गाइस ये जो वायर है, इस सभी वायर को खोल लेते हैं। और गाइस मल्टीमीटर ले लेना है और मल्टीमीटर को बार्जर मोड में सेट कर लेना है। गाइस सबसे पहले हम रेड वायर को चेक करेंगे। गाइस कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब ये जो कॉइल है ये ठीक है, इसमें भी कनेक्शन आ रहा है, मतलब एयर कंप्रेसर भी ओके है। गाइस ये ब्लैक वायर को भी खोल लेते हैं। गाइस सभी वायर को खोलने के बाद ये दोनों नट को भी खोल लेना है। तो गाइस हमने झटपट इसका नट खोल लेते हैं। गाइस अब इसका बोर्ड को बाहर कर लेते हैं। गाइस बोर्ड बिल्कुल साफ है, ठीक ठाक ही है। गाइस अब इस दोनों रेगुलेटर को भी खोल लेते हैं और इस दोनों रेगुलेटर को चेक करके देखते हैं ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर ओके है। तो चलिए मैंने खोल लिया और इस जगह को साफ कर देते हैं। गाइस ये दोनों नया है, तो सबसे पहले हम इस दोनों को इस बोर्ड के साथ सेट करेंगे और फिर देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। गाइस ये दोनों रेगुलेटर का मॉडल B500K। गाइस इस रेगुलेटर दोनों को सेट कर देते हैं, फिर देखते हैं ये काम होता है कि नहीं। तो गाइस मैंने एक रेगुलेटर को अच्छी तरीके से बिठा दिया और दूसरा जो रेगुलेटर है उसको भी हम बिठा देते हैं। गाइस ये जो रेगुलेटर मैं सेट कर रहा हूँ ये एयर के लिए होता है। गाइस ये रेगुलेटर का दोनों पॉइंट बोर्ड से उखड़ गया, इसको भी हम जम्पार कर देते हैं एयर की मदद से। गाइस हमने एक जम्पर लगा लिया और दूसरा जो जम्पर है इसको भी हम लगा देते हैं। गाइस इसको भी अच्छी तरीके से काट लेना है, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो रेगुलेटर डायरेक्ट हो जाएगा। गाइस आप इस बोर्ड को फिटिंग करते हैं, इस दोनों नट को भी लगा लेते हैं। गाइस हमने लगा लिया और अभी जो वायर है उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं।
से ही हमने सारे जो वायर है सभी को कनेक्ट कर दिया और इसको करंट में दे दिया। अब मैं ऑन करके देखूंगा कि काम होता है कि नहीं। गाइस जरा ध्यान से देखिए, इसका एयर और हीटर दोनों काम करने लग गया। प्लीज अगर मेरा इस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय इंडिया।